हेलो दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ स्टूडियो मास्टर का ये 3 चैनल का डीजे मिक्सर है जिसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। तो आइए चलते हैं, आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए बंधु, इसमें जो है 2 चैनल आप जो देख रहे हैं है ना, और एक इधर, यानी इसमें जो है 3 चैनल को बनाया है। एक साइड आपका देखिए यहाँ पर माइक का सिस्टम दिया, एक है ना, एक चैनल यहाँ पर आपका हो गया। दूसरा चैनल आउटपुट बनाया है, जो इनपुट 2 चैनल को इनपुट किया है, जो इधर आउटपुट आपको इधर है। तो आप इसमें चलाओगे कैसे, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना होगा कि इसको चलाने के लिए नियम क्या है। सबसे पहले अगर माइक यूज कर रहे हो तो आपका ये साइड का काम करेगा, ठीक है। माइक अगर चला रहे हो तो यहाँ पर ये काम करेगा। दूसरी बात, अगर आपको ये चैनल यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना होगा, ये बीच में रखना है, ये दोनों चैनल का जो है से कि आपका कमीसी करता है। और इसी में देखिए आपका यूएसबी भी लगा, दोनों साइड के यूएसबी लगा हुआ, आप जिधर से यूएसबी चाहो आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए बटन दिया हुआ है ना, तो इसमें देखिए आपका पेन ड्राइव जिस जो भी कुछ इसमें लगाएंगे आप, तो यहाँ पर ऑन ऑफ का एक बटन है, इसको आप दाबना होगा। जैसे दाबेंगे आपका ये रेड इंडिकेशन शो करेगा, देखिए ये आपका लाल हो गया, कहने का मतलब ये ऑन हो गया। ऑन की स्थिति जब हो जाएगा तब इसमें आपको पेन ड्राइव को डालना होगा, ठीक है। अब हम इधर इसमें ये देखिए ये फंक्शन जो है, इस चैनल का इनपुट का फंक्शन आपका ये वॉल्यूम का फंक्शन है। और इसमें आपको मिलाने के लिए गेन दिया है ना, मिड भी है, आपको हाई टोन दिया है ना। तो इस तरह से लो है, मिड है, हाई है और गेन है। ये आपका इस चैनल पर अगर बजाएंगे तो इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर इस चैनल को यूज कर रहे हैं तो ये आपका इस्तेमाल करना होगा, ये मेन मास्टर आपका हो गया इसका, ठीक है। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो 4 को वॉल्यूम आपका इधर लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा समझा देने का कोशिश करेंगे। देखिए अगर आप मास्टर इस बैक साइड में देखिए, यहाँ पर आपको हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो आपका है पीछे में है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ आपका है इनपुट है ना, इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ लाइन 1 और लाइन 2 लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2 है ना, यहाँ 1 और इन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर और 2 नंबर, यानी आप ये इसका मेन वॉल्यूम का इसका कंट्रोलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट भी लिखा हुआ है, तो अब लेफ्ट और राइट है ना, एक देखिए एक चैनल हो गया, एक चैनल इधर हो गया, तो इसमें भी देखिए एक चैनल इधर हो गया, एक चैनल इधर हो गया। तो इस्तेमाल करी जब करेंगे तो इधर आपको मोबाइल का कोड खोजना है, ये चारों में आपका ऊपर नीचे है ना, यानी एक ये जो आपको देख रहे हैं ना लाइन इन है ना, तो देखिए आपका जो है आप फिर से थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने का। देखिए इसमें जो है आपका एक चैनल ये आपका और दूसरा चैनल ये, यानी आप जिधर भी आप मोबाइल का कोड खोज के आप बजाना चाहेंगे बजा सकते हैं। इस साइड भी खोसिएगा तो भी बजेगा, इस साइड भी खोसिएगा तो भी बजेगा। याद रखना है कि हम जोन साइड में हम मोबाइल का कोड खोसे उसी साइड का हम यहाँ पर वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर आप जिसमें खोसे हुए, जिसमें मास्टर लिखा हुआ है, बूथ लिखा हुआ है, अब ये मशीन का कोड खोसाएगा इसमें, देखिए है ना, यहाँ पर लिखा हुआ मास्टर और बूथ, यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट है ना, ये ऊपर नीचे एक चैनल का हो गया, ऊपर नीचे एक चैनल का हो गया। अब इसमें आपको इस्तेमाल जिसमें आप कर रहे हैं, अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो तो आप इसका ही वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, इसमें अगर खोसे हुए तो इसका वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों का अलग अलग वॉल्यूम दिया हुआ आपको हम दिखला रहे हैं कहाँ पर रहता है। ये देखिए ये आप यहाँ देख रहे हैं मास्टर लिखा हुआ है ना, ये मास्टर है और नीचे में बूथ लिखा हुआ, तो जिसमें हम मशीन का कोड खोसेंगे उसका वॉल्यूम हम इस्तेमाल करेंगे, ये कंट्रोल करने के लिए हमारा दिया गया है। ये नीचे 2 वॉल्यूम आपका जो हेडफोन कंट्रोल करने के लिए है उसके उसके लिए दिया गया है, और ये लेवल है आपका ये काम करेगा। अब जैसे अगर हम इसका यूएसबी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यूएसबी का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए एक बटन है, यहाँ पर देख रहे हैं बटन, यहाँ लिखा हुआ है ना यूएसबी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है USB। तो जब तक हम इसको ये साइड यूज नहीं करेंगे, ये साइड नहीं करेंगे, ये हमारा ये नहीं बजेगा है ना, इसको इसको बजाने के लिए ये
हमारे यूएसपी की तरफ करना होगा, और अगर बाहर से बजाना होगा तो इधर करना होगा, है ना, ये लाइन की तरफ तब बजेगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, दोनों चैनल में इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कट मास्टर, ये आपका देखिए कट जो है मास्टर है, तो ये मास्टर और इधर ये करने का मतलब हो गया आपका, ये आप जो है से बाहर से बजाना है तो इस साइड में करना होगा, और इधर अगर करते हो तो ये बंद हो जाएगा, तो इसको ये इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी ये सब जो है नॉर्मल है, ये आपका जो है से कि सिलेक्ट बैंड करने के लिए है, 1-2, है ना, कि किस पर आप चलाना चाहते हैं, दोनों पर चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। माइक पर चलाना है तो माइक की तरफ करके रखो, तो ये आपका जो है काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अपने मशीन से कनेक्ट कर करके जो है आप इस मिक्सर को आप चला सकते हो, और ज़्यादा कुछ इसमें विशेष जानकारी तो नहीं है, और बिल्कुल ईजी और आसान है। आप चाहें तो इसको आप अपने स्तर से इसको आप यूज कर सकते हो, और थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दे दिया इसलिए कि बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप इसे आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा बचता है। और इसकी और भी विशेष जानकारी अगर हमारे पास जैसा रहेगा फिर हम आपको वीडियो पर वीडियो के द्वारा हम बताएंगे। और तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।